सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 55 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक आधी परसेंट के करीबन की रैली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 148.05 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में का टॉप बना था 157 रुपीज। 157 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक में का टॉप बना। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। स्टॉक का नीचे का एक बड़ा सपोर्ट लेवल है 145 रुपीज, क्योंकि 145 रुपीज पर स्टॉक के अंदर एक अच्छा डिमांड जोन देखने को मिल जाएगा। पहले भी स्टॉक ने यहीं पर एक सपोर्ट लेवल बनाकर स्टॉक में बड़ी तेजी दिखाई थी और फिर से स्टॉक इसी प्राइस को रीटेस्ट करके स्टॉक में एक रिवर्सल ट्रेंड बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजिशन बनाना चाहते हैं तो 145 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर के टारगेट अराउंड 160 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज बोर्ड में ट्रेड कर रहेगा तो अगर एक बार स्टॉक 158 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर एक क्लोजिंग ले लेता है तो वहां से स्टॉक के अंदर एक फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। पर जब तक स्टॉक इस प्राइस से नीचे रहता है स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। स्टॉक अगर 145 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो स्टॉक का नीचे का एक बड़ा सपोर्ट लेवल है 138 रुपीज का, जो कि स्टॉक का लॉन्ग टर्म का एक इंपॉर्टेंट लोअर सर्किट लगा था। यहीं से स्टॉक के अंदर दो बार एक बड़ी रैली बनती हुई नजर आई तो एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बनाए और लॉन्ग टर्म को व्यू रखे, वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।